माय डे टू इन मनाली, सुबह सुबह की शुरुआत 7 डिग्री के साथ। जहाँ पे बर्फ़ मिली है हमें ऐसा पता लगा है, सीसू में बर्फ़ ख़त्म हो चुकी है और हमने रेंट पे कपड़े ले लिए हैं। 250 रुपये रेंट होता है और सॉक्स के अलग से यू नीड टू पे 250 इज द मिनिमम चार्ज विच यू हैव टू गिव देम। ज़िप लाइन जरूर करना, बहुत मज़ा आएगा। थोड़ा पिट स्टॉप लिया है, बट या दिस द सीन एंड इट्स ब्यूटीफुल। 4 डिग्री यहाँ पे और मैं आ गया हूँ कोक्सर में और हम करेंगे आइस स्कीइंग। बर्फ तो है यहाँ पे। देखिए, अगर हम दिसंबर में आते हैं तो मनाली में आइस स्केटिंग होती है एंड जैसे जैसे डेज आगे जाते हैं मंथ्स, वी नीड टू हिल्स। कभी सीसू आना पड़ेगा आपको, अभी हम आए कोक्सर। अब आप इसके बाद आओगे तो यू हैव टू गो टू रोहतांग पास। बस ऐसे चलता रहता है मनाली का ये सफ़र। तो जी यहाँ सिखाई जाती है स्कीइंग करना और आपको बस थोड़ा झुकना रहता है और कॉन्फिडेंटली धीरे 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 करके स्लाइड होना पड़ता है, जो कि मैंने पहली बार में ही सही सीखा था। स्कीइंग करना जरूर मजा आएगा। 1000 रुपये की है, बोर तो हो गया बहुत क्योंकि 5 मिनट में आपको सब हो जाएगा। बस मेहनत वो होती है नीचे से ऊपर आने की और वापस से स्कीइंग करने की। पैसे तो वसूलने थे ही। काफ़ी टाइम से मैंने काफ़ी व्लॉगर्स को देखा था ये मैगी के चस्के लेकर थोड़ी मोड़ी मोमोज के अंदर चटनी लगा कर मेयोनी वाली, बस खाने का मज़ा चेकलिस्ट हो गया क्या? की रोजे लाए इस बारी हम कोक्सर में बर्फ में, सोचा था पियेंगे सब लोग बिस्की रम का बनाते हैं, किसने माइंड का नहीं बनाया, हम है पहले। Hey guys, तो मैंने घूम लिया कोक्सर एंड इट्स अ वेरी गुड प्लेस अभी के लिए क्योंकि बर्फ है और आप खेल सकते हो। यू कैन डू फन, यू कैन ब्रिंग योर बिस्की बूज रम वट एवर वी बॉट रोजे वाइन जो किसी ने नहीं करी आज तक। सो यार, वी टोटली एंजॉयड इट एंड होप यू विल लाइक द व्लॉग। थैंक्स फॉर हैविंग अस कोक्सर, इट वाज ग्रेट विद यू, फन, बाय। सो अराउंड 3 o'clock इट स्टार्टेड हेवीली रेनिंग इन मनाली और अब हम जा रहे हैं कैफे 1947 क्योंकि हमें बहुत भूख लगी है। To you, I get to you.
कैफे में, ये है मनाली में, थोड़ा आउटस्कर्ट्स पे है। हमने वापस आते हुए यहाँ पे खाना खाया है सीसू से। सो द थिंग्स विच वी हैव ऑर्डर्ड इज, इसको कैसा दिया बोलते हैं, कैसा डिलानी बोलते हैं, एंड दिस इज अल्फ्रेडो पार्मेजानो पास्ता। वी गॉना ईट वन बाय वन। दिस इज द कैसा दिया, इसके अंदर चिकन और वेजीज का फीलिंग है, एंड दिस इज देयर मेयोनीज। कैसा दिया थोड़ा फीका है। This is very good. Trust me, it's very good. Do come here. Thank you. Thanks for watching. तो जी, ठंड के मौसम में जलेबी को देखकर क्रेविंग तो होनी ही थी, तो मैंने बनवाई कुछ 3-4 पीस जलेबी के, रबड़ी देख ली, दिल फिसल गया। और जी, वक्त आ गया है गर्मा गर्म जलेबी खाने का। गाइस, मैं आया हूँ रॉकीज़ कैफे में। ये काफ़ी ही डरावनी जगह पे बना हुआ है और मैं खाने वाला हूँ दाल राइस, क्योंकि माई स्टमक गॉट अपसेट, बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू हैव फन। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर माई नेक्स्ट डेस्टिनेशन ट्रिप। अभी बाकी है मेरे दोस्त।